हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मानसून आ चुका है, मानसून ने अपने दस्तक दे चुकी है। जहां पर बारिश की वजह से कई लोगों को गर्मी से राहत मिलती है और बहुत लोगों को बहुत खुशी होती है, वहीं बरसात में चाय की चुस्की के साथ पकौड़ों का लोग लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन बरसात का मौसम अपने साथ कई सारी बीमारियों को लेकर आता है। बदलते मौसम में वायरल, सर्दी जुकाम, फ्लू जैसी बीमारियां आम तौर पर लोगों को बहुत जल्दी चपेट में ले लेती है और यही कारण है कि खासकर बारिश के मौसम में आपको अपने खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा देना चाहिए। जी हाँ, बारिश के मौसम में खाना पीना अगर आपने ज़रा सा भी लापरवाही कर दी तो आप बीमार भी हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बारिश के मौसम से जुड़ी हुई जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों जब बात आती है खाने पीने की, खासकर बारिश के मौसम में, तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बात अगर की जाए कि क्या चीज़ खानी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बारिश के मौसम में आप हमेशा ताज़ा भोजन खाने की कोशिश करें। ताज़ा मतलब रखा हुआ नहीं, मतलब जो आप फ्रेश खाना बनाएं वो तुरंत आप खा लीजिए, रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इस मौसम में रखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगली बात दोस्तों, हल्का भोजन करें, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना खाएं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, और बारिश के मौसम में जो सामान होता है रखा हुआ वो अक्सर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो खाने पीने के मामले में बहुत ध्यान रखें। बारिश के मौसम में जितना हो सके आप शुद्ध चीज़ें खाएं, मजबूत चीज़ें खाएं, जैसे कि आप देसी घी खा सकते हैं, दाल खाएं, मूंग की दाल, चावल, गेहूं, जो ये पौष्टिक, जो ये बुनियादी आहार हैं, आप जब तक इनके साथ चिपक के रहेंगे आपको कभी कुछ नहीं होगा। और ख़ासकर बारिश के मौसम में आप ज़्यादा बाहर के तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा टेस्ट के लिए आप बाहर की चीज़ें ना मंगवाइए, जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा चाइनीज़ पसंद करते हैं, दुनिया भर के आइटम पसंद करते हैं बाहर के, बारिश के मौसम में आप इनको अवॉइड करें। एक और चीज़ दोस्तों, बारिश के मौसम में अक्सर बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, तो इसके लिए आप हर दिन अपनी इम्यूनिटी को, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आप हर दिन एक चम्मच कद्दूकस करके अदरक को, यानी कि जो जिंजर होती है अदरक को, आप कद्दूकस करें एक चम्मच और इसमें हल्का सा नमक लगाकर खाइए। अदरक में दोस्तों अपने आप में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए दोस्तों बारिश के मौसम में बेस्ट समय है अदरक चबाने का, प्लीज करिए, बहुत फायदा होगा। दोस्तों बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कीटाणुओं का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखने के लिए आप खूब सारा पानी पीजिए। पानी पियेंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट हायर होगा, फास्ट होगा, और आपके शरीर में जितने भी कीटाणु हैं दोस्तों वो मर जाएंगे। कई बार होता है कि जब अगर आपको पानी पीना भी है तो कई लोग ये भी कहते हैं कि बारिश के मौसम में खासकर आप पानी को उबाल कर पीजिए, तो अगर आपको ज़्यादा बैक्टीरियल या फिर वायरल अटैक का खतरा होता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बारिश के मौसम में, तो आप गर्म पानी यानी कि उबला हुआ पानी पी सकते हैं, ये आपके बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है जो बारिश के मौसम में अक्सर खराब खाने पीने की वजह से हो जाती है, तो ऐसे में आप त्रिफले का सेवन करें। त्रिफला का सेवन करना बहुत आसान है, गुनगुने पानी के साथ आप पी जाइए सुबह सुबह खाली पेट, या फिर त्रिफला आपके पेट को बिल्कुल फिट रखेगा और आपका हाजमा भी अच्छा होगा और आप फिट भी रहेंगे। तो दोस्तों ये तो रही बात क्या चीज़ हम खा सकते हैं, बात की जाए कि हमें बारिश के मौसम में क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ नहीं खानी, तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा है कि सड़क किनारे कई सारे मिलने वाले चाट ठेली होती हैं। दोस्तों बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा है कि सड़क किनारे यानी कि रोड के स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ठेले वाले होते हैं, वहाँ पर हम चाट पकौड़े टिक्कियाँ खाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको बारिश के मौसम में दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम में अक्सर मैंने देखा है और आप भी जानते हैं बैक्टीरिया का और वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में बाहर की जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनका हमेशा संक्रमित होने के जो चांस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको बाहर के खाने पीने की चीज़ों से अवॉइड करना है। अगली चीज़ दोस्तों सलाद, यानी कि जो सैलड होता है आपको वो अच्छे से खाना है। अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कच्चा खाना नहीं खाना, यानी कि कच्चा जैसे कई लोग होते हैं ना कि ज़्यादा पका के नहीं खाते या फिर कच्ची चीज़ें खाते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको बारिश के मौसम में खास तौर पर हर चीज़ को अच्छे से पकाकर उबाल कर खाना है, क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम में बैक्टीरिया अपने उफान पे होते हैं, वायरस हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए आपको हमेशा पकाकर अच्छे से खाना खाना है, आपको हमेशा अच्छे से कुक कर ही खाना खाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो अक्सर जो ज़्यादा मीट मच्छी खाते हैं, मांसाहारी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने को अच्छे से पकाइए, और खासकर बारिश के मौसम में। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार आप अपनी सब्जियाँ
ठीक से खरीदें, आधी अधूरी पिचकी हुई सब्जी मत खरीदें, बारिश के मौसम में कुछ भी हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद भी कहता है कि बारिश के मौसम में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, वहीं अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने पैरों को सूखा रखिए, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। दोस्तों ये तो रही आपकी हेल्थ से जुड़ी बातें। अब कुछ आपके आसपास की बातें जो आपको भी ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अपने घर के अंदर आप सफाई रखें। बरसात में होता यह है कि मौसम में जैसे कि आप देखते हैं नमी हो जाती है, तो ऐसे में बैक्टीरिया और संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको बचाने के लिए आप अपने घर को साफ रखें, आपके घर के आसपास मच्छर वच्छर ना ज्यादा हो जाएं तो इसके लिए आप छिड़काव करें, और जहां भी पानी भर रहा हो उस पानी को आप निकालें, ठीक है। कहीं भी अपने आसपास घरों के कोई भी बर्तन हो जिसमें पानी भर रहा हो, जिसमें मच्छर आ सकते हैं, मच्छर पैदा हो सकते हैं, उस कंडीशन को देखते हुए आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें और खुद अपने आप बाहर जाकर साफ सफाई ध्यान रखें अपने घर के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल जो देख रहे हैं आप, बारिश के मौसम में आप जब भी खाना खाने बैठें तो अपने हाथ धोकर खाएं। जी हाँ, कई लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप साबुन से अपने हाथ को अच्छे से धो लीजिए। जब अपने हाथ धोकर खाना खाएंगे तो आपके संक्रमण का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बारिश के मौसम में जैसे कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में आप कुछ अच्छी चीजें खा सकते हैं। जैसे मानसून में कुछ गर्म आरामदायक सूप पीजिए जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऐसे में आप चिकन सूप बनाकर पी सकते हैं, उसमें गाजर का सूप बनाकर पी सकते हैं, मशरूम का सूप हो गया, सब्जियों के यानी कि वेजिटेबल सूप भी होता है जो कि आप आराम से घर में बना सकते हैं। इनके फायदे ये हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी अंदरूनी ताकत को बूस्ट करता है। वहीं अगर आप उसमें तुलसी, हल्दी, दालचीनी, इलायची और लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके टेस्ट के साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ा देता है। और सूप बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में एक बहुत ही कमाल की ड्रिंक है, बारिश के मौसम में खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बारिश के मौसम में ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें। जी हाँ, ठंडी चीज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना और शरबतें पीना, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी लस्सी पीने का शौकीन हैं, या फिर रात को अगर आपने दही छाछ पी ली, दोस्तों बारिश के मौसम में ये बहुत ही आपको नुकसानदायक दे सकता है। ठंडे तरल पदार्थ को आप भोजन में शामिल ना करें, गर्म गुनगुनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे, साथ ही साथ ही आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो अगर आप इस मॉनसून के सीजन में आप ध्यान देते हैं तो आपको बहुत फायदा देगा, साथ ही ये आपको आपके परिवार को हेल्दी बनाए रखेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारिश के मौसम को खूब इंजॉय करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने अपने परिवार का आप ख्याल रखेंगे। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।